Welcome to my YouTube channel. It's only and only my channel. So guys, my today's topic is, as you can see, infusion set, जिसे हम हिंदी से saline pipe भी बोलते हैं. तो चलिए हम जानते हैं इसके parts के बारे में बिना time waste किए. Let's start. तो चलिए शुरू करते हैं infusion set के बारे में. हम कुछ जानते हैं. इसे हम IV set भी बोलते हैं. इसे हिंदी में saline pipe बोला जाता है. You can see this cautions, do not use if packing is damaged. It's for single use only. And इसके इतने सारे cautions लिखे हुए हैं. And it's a sterile one. तो चलिए हम शुरू करते हैं. इसके पास के बारे में हम जानते हैं कुछ. तो हम ऊपर से start करेंगे. ये first part है. इसमें cap लगी हुई है. This is known as spike, जिससे हम सलाइन बॉटल पे पियर्स करके सलाइन इस पर लेते हैं. देन दिस इज दिस पार्ट इज नोन एज चैम्बर. ओके. एंड दिस पार्ट इज नोन एज फिल्टर. अगर हम सलाइन किसी को दे रहे हैं, अगर सलाइन में कुछ भी थोड़ा सा अगर डर्ट पार्टिकल है, तो इस चैम्बर पे वो फिल्टर होकर के पाइप से जाता है, ताकि पेशेंट के शरीर पे कुछ भी डर्ट ना जा सके. उसके बाद हम चलते हैं इस फोर्थ पार्ट. दिस इज नोन एज रेगुलेटर. जब हम इसे नीचे करेंगे तो रेगुलेटर का स्पीड जो है पूरी बंद हो जाएगी, और हम जब मिडिल में करेंगे तो इसकी स्पीड बढ़ते जाएगी. और हमें फुल रेंज करना है तो हम इसे अप कर देंगे, और हमें जब बंद करना है तो हम इसे पूरी डाउन कर देंगे, जिससे कि सलाइन की गिरने की मात्रा बहुत कम हो जाए और बंद हो जाए. उसके बाद हम जाएंगे, लेट अस गो टू द डाउन पार्ट. दिस इज नीडल. This is connector and this is injection site, जहाँ से आप injection दे सकते हैं. ये rubber की बनी हुई है. चलिए मैं आपको देख के बताती हूँ कि कैसे आप injection दे सकते हैं. आप यहाँ पे pierce करेंगे, इसे inject करेंगे, and so that you can give injection to the patient through syringe like this slowly. So guys, I hope you learned today something. If you like my channel, if cap and other thing are missing, then you have to throw it. Okay, do not re-sterile. Discard the set after single use. Store in a cool and dry place. Dispose the device after use of biomedical waste as per applicable laws. So guys, I hope today you learn something with me. So if you like my channel, then please do like, subscribe and share as much as you can to learn something more. Thank you so much.